हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। व्हाट आई हैव टोल्ड यू प्रीवियस लेक्चर, व्हाट इज सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके, माय चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो देयरफॉर व्हाट नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, ओके। तो यहाँ पर हम डिफरेंस चेक करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस देखेंगे, दे हैव अ डेफिनेट एंड रेगुलर जमेंट ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयन और मॉलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ओके। मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है, एक्स वाई जेड थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स वाला है। जब पार्टिकल की बात करूँ तो आप समझ जाया करिए, एटम मॉलिक्यूल आयंस की बात कर रहे हैं। इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका सेम डिफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्री होती है, डिफिनिट ज्योमेट्री एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू डिफिनिट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स क्या होते हैं, ऑर्डर के एक तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनका सेम और ज्योमेट्री सब क्या होती है, डिफिनिट होती है, क्लियर हुआ। एमॉर्फस सॉलिड में ये चीज उल्टा होता है, दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इनमें कोई एटम मॉलिक्यूल आयंस का अरेंजमेंट में कोई पैटर्न नहीं होता, ठीक है। जैसे अभी होता क्या है, इनमें अगर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट चल रहा है, थोड़ी देर बाद इनका अरेंजमेंट ऐसे हो गया, ठीक है। अभी क्या है, कुछ देर ऐसे चला तो फिर ऊपर चला गया, तो कोई इनका अरेंजमेंट नहीं होता एमॉर्फस सॉलिड में, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, क्लियर हुआ। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनका अरेंजमेंट क्या होता है, फिक्स होता है मॉलिक्यूल्स का। तो दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल एंड दस डू नॉट हैव एनी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जब अरेंजमेंट ही नहीं सही होगा इनका, डिफरेंट नहीं होगा अरेंजमेंट, ठीक है, पैटर्न डिफरेंट नहीं होगा, तो इनका ज्योमेट्रिकल शेप भी डिफरेंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, दे हैव सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट। सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट से क्या है कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स होता है, ठीक है। ये हमारा सॉलिड है तो इस मेल्ट पॉइंट इस टेम्परेचर दिया, ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक है। जब तक उसको उतना टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई सॉलिड है वो मेल्ट करना चाहता है 789 डिग्री सेल्सियस, उसका जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट है उस सॉलिड का, वो सॉलिड जो है जब भी आप मेल्ट करोगे उसको, सॉलिड से मेल्ट पॉइंट लिक्विड में ले जाओगे, उसका मेल्टिंग जो पॉइंट होगा मेल्ट करने का, वो इसी पॉइंट में पहुंचने के बाद वो मेल्ट करेगा। इसका रीजन है क्योंकि इसकी जो शेप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और एक रेगुलर में होते हैं, पार्टिकल अरेंजमेंट भी क्या होता है, रेगुलर होता है, क्लियर है, यही रीजन है। एमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे हम, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप समझ चुके होंगे, क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट ही उनका सही नहीं है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट कभी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, लेकिन एक सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। एंड मेल्ट तो करेगा ही, एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करेगा, लेकिन कब मेल्ट करेगा ये पता नहीं है, किस टेम्परेचर पे। आप जान के बैठे हो 800 का मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का एमॉर्फस का, पता चला कि उसका जो है अरेंजमेंट ठीक सही नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट जाकर 2000 में मेल्ट कर लिया, तो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट है सॉर्ब मेल्टिंग पॉइंट। फिर आप यहाँ पे उसी में आए, चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड, चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड। जैसे क्या होता है, एब्रप्टली का मतलब है, एक ये वर्ड है एब्रप्टली, इसका मतलब है ये लिक्विड में क्या करता है, एक फिक्स टाइम पर एब्रप्टली इजली क्या होता है, पूरा पूरा लिक्विड में बदल जाता है, ठीक है। एक साथ ये लिक्विड में पूरा उस टेम्परेचर पे आके बदल जाता है जो उसका फिक्स टेम्परेचर है। और यहाँ पे Do not change abruptly into liquid, ठीक है। एक टेम्परेचर पे आने के बाद ये कभी भी चेंज नहीं होता लिक्विड में, ठीक है। They melt over a range of temperature. ये जो मेल्ट करता है एमॉर्फस सॉलिड, जैसे इसका रेंज है, रेंज के ऊपर
ये क्या करता है, बेंड करता है। जैसे हमारे पास साइड्स कोई रेंज है 1100 डिग्री से, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट दे दिया इसे मान लो, तो इसके रेंज में ये नहीं मेल्ट करेगा, 1200 पे जाकर मेल्ट करेगा, 1250 डिग्री सेल्सियस पे जाकर मेल्ट करेगा, लेकिन एक रेंज पर कभी भी मेल्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पे आप देखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक सम ऑफ देयर, कैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक, ओके, और एनआइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, एनआइसोट्रोपिक मतलब जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होंगी, चेंज होंगी। तो इस बात को मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के कुछ इस तरीके से, ठीक है, या एलिमेंट है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो रेंज है यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ डिस्टेंस क्या है कम है, और लेकिन यहाँ पे क्या है ज्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूंगा तो यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तेज होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो डायरेक्शन के हिसाब से क्या होगा, एनिसोट्रॉपिक के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, एनआइसोट्रॉपिक मतलब सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इधर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और इधर की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। क्लियर है? थर्ड आप देखिए, एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही कुछ अजीब होता है, यहाँ तक रेगुलर है, पता चला इधर थोड़ा इतना डिफरेंट हो गया, ठीक है। इनका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी हमेशा सेम होती है, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन सभी डायरेक्शन, क्या होता है, इनका सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक रेंज होता है, रेंज के अकॉर्डिंग जो है पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बदलती है, ठीक है। जैसे मैं एनआइसोट्रॉपिक को एक तरीके से और समझाऊँ, आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यही बताना चाहता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में, यहाँ पे बच्चों आपको ये देखना है, जैसे मैं ये किसी डायरेक्शन में देखूं, यहाँ पे देखिएगा इसे, इसको मैं ए और बी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, यहाँ पे जो है आपका पार्टिकल जो है रेगुलर अरेंजमेंट में सेम पार्टिकल से सेम टाइप के, तो लेकिन मैं अगर इसको क्रॉस ऐसे चेक करूँ, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस चेकिंग में, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल, यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसका डिफरेंट, ये डिफरेंट है, फिर आगे डिफरेंट मिलता करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेम टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं इस डायरेक्शन में जाने पर, और इधर डायरेक्शन में जाने पर मैं इसे ले लेता हूँ सी और बी, ठीक है, इधर क्या मिल रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन मिल रहा है, ये एनआइसोट्रॉपिक का आपका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है, तो एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ क्रिस्टल।
किसी क्रिस्टल का एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर, एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर आप ठीक है। तो एक आपको रेगुलर अलाइनमेंट यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और एक बात यहां पे मुझे बताना है आपको, मैं डिफरेंस देख रहा हूं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये मार्बल सॉलिड का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ये भी बात बहुत जरूरी है, मैं यही डायरेक्ट इस बात को लिख देता हूँ, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट ये भी डिफरेंस है, देखिएगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। आपका जो क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है, इन क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टलाइज सॉलिड पार्टिकल और अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ओके। जो पार्टिकल अरेंज होते हैं वो एक लंबे ऑर्डर में अरेंज होते हैं, उनका रेंज बहुत बड़ा होता है, ऐसे कुछ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये कुछ इस तरीके से इनका ऑर्डर होता है। देख लीजिए, एक समान टाइप से इनका ऑर्डर होता है, एक बड़ा ऑर्डर लॉन्ग रेंज का, क्लियर है। और जो क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड है उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। मैं उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों बातें मैं लिख देता हूँ, इन एमार्फस सॉलिड तो आपका जवाब होगा पार्टिकल, यही मेन पॉइंट है इसमें, आर अरेंज, जो पार्टिकल अरेंज होते हैं इन सॉल्ट में, इन सॉल्ट में थोड़ी देर बाद में रास्ता बदल गया, फिर ऐसे चला, फिर इधर आ गया। इनका एक रेंज जो है बहुत थोड़ी दूर तक तो चलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रेंज इनका चेंज होने लगता है, ठीक है। इनका रेंज इधर उधर होने लगता है, ठीक है। जो इनका ऑर्डर है वो गड़बड़ होने लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है पूरा पूरा ऑर्डर, ठीक है, या इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे चला, फिर नीचे चला गया। तो एक रेंज इनमें जो है बहुत शॉर्ट रेंज मिलती है, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शॉर्ट नहीं होता, या कोई भी चीज इनका सभी रेगुलर है, ठीक है। तो जो बेटर है हम लोगों के लिए वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो सबसे बेटर क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही डिस्कस करेंगे, एमार्फस सॉलिड पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। और एक बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और सारी जानकारी है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम कट करें, नाइफ के किसी चीज से कट करें, तो बहुत सॉफ्ट कट होता है, ठीक है। बहुत उनका क्या होगा, स्मूथ सर्फेस मिलता है, स्मूथ सर्फेस, एकदम सर्फेस क्या होता है, स्मूथ मिलता है। लेकिन अगर एमार्फस सॉलिड को कट करें तो उनका सर्फेस कुछ खुरदुरा मिलता है, कट करने के बाद खुरदुरा सर्फेस मिलता है, ठीक है।
जैसे आप सोडियम क्लोराइड आते हैं NaCl, NaCl है या सोडियम है, क्या है आपका, ये सोडियम ही है। अगर इसे आप कट करो सोडियम को, सोडियम क्या करो कट करो, तो क्या होगा, बहुत स्मूथ सरफेस होगा, इसका सरफेस क्या होगा कट करने के बाद, बहुत ही स्मूथ सरफेस होगा, क्लियर है। अगर मैं इक्वली बराबर कट करूँ तो सरफेस स्मूथ आता है, बट अगर आप ग्लास देखते हैं, मान लो सॉलिड में एग्जाम्पल क्या है, ग्लास ले लो, तो ग्लास को अगर आप कट करो या ब्रेक करो तो क्या होता है, स्मूथ सरफेस नहीं होता, वो सरफेस कैसा होता है, कुछ खुरदुरा टाइप का सरफेस होता है, ठीक है। ये कट की बात हो गई, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होते हैं, आइडेंटिकल रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है। तो हम इस पूरे चैप्टर में जो डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पर क्या करेंगे, पूरा जो हमारा चैप्टर बेस्ड होगा, क्लियर है। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड इस पर हम अगले लेक्चर पे इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।